हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं चंबा पुलिस प्रशासन ने भी प्रत्येक बूथ पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की गठित टीमों ने स्थान स्थान पर जाकर एक और जहां संवेदनशील बूथों पर निगरानी रखी, वहीं लोगों को वैश्विक महामारी के चलते सामाजिक दूरी व मास्क लगाकर मतदान केंद्रों में आने की हिदायतें दी। इसी क्रम में साहो क्षेत्र में एएसआई गोविंद पाल की अगुवाई में क्षेत्र की 16 पंचायतों में प्रत्येक बूथ पर जाकर स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। हालांकि परिणाम घोषणा के दौरान अगर कोई भी कानूनी व्यवस्था खराब करने की हिमाकत करता है तो पुलिस ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है। इसके लिए बूथ स्तर पर भी हमारी टीमें लगी हुई है, ड्यूटी लगाई गई है और जो बाहर से आए लोगों को बता रहे हैं हम, और ड्यूटी के लिए अलग से भी टीम जो है जा रही है चक्कर चक्की के लिए बूथ स्तर पर हर तरीके से मुस्तैदी बरती जा रही है। आज पंचायत चुनाव हमारे इलाका में चल रहे हैं, बहुत अच्छा स्मूथली काम चल रहा है। लोगों को कोविड-19 के बारे में भी बता रहे हैं कि डिस्टेंस से वोट डालें, लाइन में लग के डालें और कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो हमारे को सूचित करें। स्मूथली प्रोग्राम चल रहा है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए साहो से नितिन ठाकुर।